यार आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अजय कोहली। जी हां, बात करते हैं मेवात जिले की। मेवात जिले के गांव सिंगार के ग्रामीणों को सता रही है पुलिस प्रशासन। गरीब परिवार को पुलिस ने दिखाई दबंगाई, परिवार ने पुलिस पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप। पुलिस ने पंखे फ्रिज सहित अन्य सामान को तोड़ा। परिवारजनों ने कहा पुलिस ने बिना कुछ पूछताछ शुरू किए की थी तोड़फोड़। गरीब परिवार ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। मेवात जिले के गांव सिंगार का है प्रकरण। आइए हम आपको पीड़ित परिवार को भी सुनवा देते हैं। कल पुलिस आई थी, अड़ोस पड़ोस उनके घुसे थे, उनके से फिर हमारा घुस गए थे, घुस के हमारा पूरा सामान तोड़ गए थे। मैं केस वार हूँ, मैं केस में तारीख बजा रहा हूँ जी, ना दोस्त हूँ बिल्कुल। अब मैं कल फेरी पे गया था, 6:30 बजे आई पुलिस और मेहरबानी घर पे ही दी जी। मैं बिल फेरी पे हूँ और सामान वामान सब तोड़ गई। नाम मेरा जाकिर है, गांव मेरा सिंगार है, मैं केस वार हूँ जी। जो केस है मैं उसमें तारीख बजा रहा हूँ। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जो ये कल का जो हादसा कहूँगा मैं तो इसको, क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं है जो कल हुआ है, और बड़ी दुखद के साथ में ये एक दुख के विषय है, क्योंकि नाजायज़ तरीके से घर के अंदर एक इस तरीके से रेड डालना के बहुत बड़ा नुकसान किया है। फ्रीज हैं, पंखे हैं, चारपाई हैं, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के साथ में एक तरीके से प्रशासन का ही अत्याचार है। और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपने मुख्यमंत्री और पुलिस कप्तान एसपी साहब को दोनों को अवगत कराना चाहते हैं कि देखो इस तरीके की कोई भी कार्रवाई इस ढंग से ना की जाए। हमारा जो ये गांव सिंगार है इसमें जो ये कार्रवाई करी है ये निंदनीय है, क्योंकि आप दोष और निर्दोष पहले इसकी पहचान की जाए और पहचान के साथ में फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये बहुत गलत कदम उठाया गया है जो कल उठाया गया है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। भाई इस तरीके से जो औरतें घर में होती हैं, बहन बेटियां घर में होती हैं, और अचानक से ये इस तरीके की छापेमारी करना ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने मुख्यमंत्री साहब को भी और पुलिस कप्तान साहब को भी ये अवगत कराना चाहते हैं कि आगे से कोई भी कार्रवाई इस तरीके की ना की जाए। अगर कोई मुलजिम है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, निर्दोष के साथ ना सताया जाए।